फाइनली हमारा चूजा जा रहा है, 4,500 चूजा एक है, 500 चूजा इस गाड़ी के अंदर जाएगा। बाकी ये कि पहले तो इसमें हाईरोप में जाना था, लेकिन उसके बजाय ये कि आपको बताया कि यार हब से मर जाता चूजा हमारा, तो इसलिए जो है ना ये जो है ना हमने इसमें शेजोर में रखा है। इसमें खुला खुला जाएगा और रस्सियों से इसलिए बांध रहे ताकि ये खुदा ना खास्ता इसका जो ढक्कन है ना, इसका जो बेसिकली आप ये समझे गत्ता है, तो वो उड़े ना, है प्लास्टिक के क्रेट पे। उसकी वजह ये है कि गर्मियाँ आ गई है, आपको अगेन मैं बता रहा हूँ, गर्मियाँ आ गई हैं और चूज़ा देख रहे हैं कितना सारा चूज़ा आ गया। तो उसकी वजह ये है कि भाई इसमें कम से कम भी मेरे हिसाब से कोई 30,000 से 35,000 चूज़ा एक गाड़ी में जा रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाईजान आज जो है ना शाम का वक्त हो रहा था और बत्तख को थोड़ा सा खोलना था हमने बाहर ना, आओ तो भाई देखते हैं आती है बत्तख हमारे पास या नहीं आती है। बाकी ये देखें यार, ये जो बत्तख है ना हमारे साथ बड़ी फ्रेंडली हुई हुई है अभी इस वक्त। आओ यार, ये नाम तो आप लोग बताएं, आप लोग ने नाम नहीं बताया कि इसके नाम क्या रखने। बाकी यार बहुत जल्द इधर सेटअप पे जो है ना वो मेरे पास पूरा मास्टर गेट बन जाएगा, तो आप लोग ने वीडियो लाजमी देखनी है ताकि ये आप लोग को अपडेट मिलते रहे। अच्छा एक छोटी सी टिप ये देनी थी यार गर्मियों के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि यार मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, अभी भी कह रहा हूँ कि जिन्होंने छोटे स्केल पे रखे हुए हैं, जैसे मैंने अभी ये चीज़ें रखी हुई हैं या आपके 100-200 ब्रॉयलर फार्मिंग जो भी कर रहे हैं, उनके लिए एक टिप दे रहा हूँ, लाजमी सुन लीजिएगा ठीक है जी। और वो ये है कि भाई अपने पानी के अंदर 9 लीटर पानी के अंदर एक ORS का साशा लाजमी दें, वरना आपके जो है ना वो ब्रॉयलर जो है ना खासतौर पर ब्रॉयलर वो छीके मारेंगे। तो आप लोग कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ऐसी है आप लोग के पास या नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा होता हूँ ना, तो इसकी वीडियो लाजमी देखा करें ताकि आप लोग को छोटी मोटी जो है ना टिप्स मिलते रहें। बाकी भाई अभी अंडे वंडे चेक करते हैं कि अंडे हमारे पास इनके आए या नहीं आए। तो जैसे आपने देखा भाई सिब्राइड का अंडा हमारे पास आ चुका है। अच्छा यार सिब्राइड का सीन जो है ना वो मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा सा बता दूँ कि अगर जिस भाई को भी इसके बच्चे चाहिए वो हमारे पास से मिल जाएंगे भाई। देखें शोर तो यार इतना मचाते हैं ये लोग, ये देखें शुक्र है भाई ऊपर चले गया, वरना शोर मचा मचा के ना ये तंग करके रख देगा। तो सिब्राइड का सीन यार ये है कि जिस भाई को भी बच्चे चाहिए हमसे कांटेक्ट करें, मिल जाएंगे, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, क्वालिटी आप देख सकते हैं ठीक है जी। तो ये है कि अगर आपको चाहिए होंगे तो इंशाल्लाह मिल जाएंगे, वरना ये कि यार जूम में ही हम लोग इंशाल्लाह कर देंगे, कोई मसला नहीं है। बाकी एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, हद से ज़्यादा बड़ा, गैस करिएगा क्या हो सकता है। अच्छा एक हिंट दे दूँ, सरप्राइज तो आ रहा है, मैं सोच रहा था लकी ड्रॉ भी दोबारा से शुरू कर दूँ, क्या बोलते हैं आप लोग, कोई 1500 या 2000 सब्सक्राइबर पे लकी ड्रॉ कर दूँ ताकि ये कि आप लोग को जो है वो मज़ा आए देखने में। और बाकी कोश आमो जो बोल लेते ना यार, जिन्होंने भाई ने कमेंट किया था कोश आमो के। अच्छा यार अभी एक भाई का कमेंट आया हुआ है कि भाई ओ शामो पर भी वीडियो बना लो प्लीज़, थोड़ी गाइडेंस दे दो, कमेंट को इग्नोर मत करना प्लीज़। लेकिन कमेंट तो हम किसी का भी इग्नोर नहीं करते, लेकिन सीन सारा ये है कि अभी जो है ना इसके ऊपर इंशाल्लाह आप बताएं कि किस टाइप की आपको गाइडेंस चाहिए, किस टाइप का, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम बना देंगे। तो बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस टाइप की गाइडेंस चाह रहे हैं, ब्रीडिंग के हवाले से या सिर्फ आप लोग जो है ट्रेडिंग के हिसाब से पूछ रहे हैं या बिजनेस के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें अगर आप लोग बताएंगे आप कमेंट करके बता दें तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। बाकी भाई अभी सीन ये है कि अंडे कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें निकलना है हैचरी। और भाई आज चूज़ा है अच्छा खासी क्वांटिटी में हमारा, तो लाजमी देखिएगा। और इनको जो है ना भाई ये खुले रहेंगे, इनका सीन यार बिल्कुल चेहरा ये अपने हिसाब से निकलते हैं, अपने हिसाब से अंदर घुस जाते हैं और कोई हिसाब किताब नहीं है इनका, कुछ समझ में नहीं आता मेरे को, अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। तो चलें फिर अभी चलते हैं हैचरी। इस वक्त हैचरी में आ गए हैं ठीक है जी। और सीन सारा का सारा ये है कि भाई अभी हमारा चूज़ा जा रहा था तो मैंने सोचा कि उन्हें आप लोग को दिखा दें, और अभी दिखाते हैं भाई जो भी हमारा जो चूज़ा जा रहा है तो कितनी क्वान्टिटी जा रही है। और अभी ये जो सामने जो चूज़ा है ना ये तो हमारा नहीं है, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी है वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे किस तरीके से चूज़ा जाता है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और बाकी ये बताइए कमेंट करके कि आप लोग को कंटेंट कैसा लग रहा है, और जितने भी कमेंट आते हैं ना वो सारे रीड करता हूँ, तो भाई ये कि आप लोग कमेंट करके लाजमी बताया करें। पहले जितना भी चूज़ा जाता था वो हमारा जाता था गत्तों में, आज चूज़ा जा रहा है प्लास्टिक के क्रेट पर। उसकी वजह ये है कि गर्मियाँ आ गई है, आपको अगेन मैं बता रहा हूँ गर्मियाँ आ गई हैं और चूज़ा देख रहे हैं कितना सारा चूज़ा आ गया। उसकी वजह ये कि भाई इसमें कम से कम भी मेरे हिसाब से कोई 30,000 से 35,000 चूज़ा एक गाड़ी में जा रहा होगा। तो बाकी अभी हम जो हैचरी आए हैं ना उसका सिर्फ मकसद ये था कि आज हमारा जो ऑर्डर है ना भाई वो तकरीबन 5,000+ चूज़ा हमारा जा रहा है, 5,000+ चूज़ा, तो वो इंशाल्लाह बताएंगे भाई।
कि किस तरीके से जाता है, क्योंकि हमारा जो चूज़ा गत्तों में जाएगा होता ये है कि इधर क्राइटेरिया ये होता है कि गाड़ी जब लगती है फार्म पे जैसे 30,000-35,000 जिसका चूज़ा होता है तो वो क्रेट में जाता है, क्रेट खाली करके वापसी आ जाते हैं। अब जिनका ऑब्वियसली जिनका 200-300-500 चूज़ा होगा तो वो तो हम दे रहे हैं, तो हमारे साथ ये सीन नहीं होता कि हम आपको क्रेट में दें। अगर आप हमें बोलेंगे भाई क्रेट के अंदर चूज़ा देना है, ये हमसे डिलीवर कराएंगे, तो उसका क्राइटेरिया ये है कि भाई आपको हमें क्रेट के 50% पेमेंट देनी पड़ेगी, ताकि ये कि आप जब खाली हो जाए उसके बाद हमें रिटर्न कर दें। तो बाकी यही कि भाई सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे, और चलें फिर इंशाल्लाह वेट करते हैं हमारे अपना चूज़े का, और जैसे ही हमारा 5,000 चूज़ा आता है वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अच्छा यार सीन ये है कि अब फाइनली हमारा चूज़ा आ गया है, ठीक है जी, और 5,000 चूज़ा आ गया है। अभी इसमें ये कि एक अपनी उसमें रिक्वायरमेंट के लिए भाई हम थोड़ा सा काउंटिंग करेंगे, ताकि कोई इशू ना हो किसी के भी ऑर्डर पे, क्योंकि ये कि अच्छा खासा आपको बताया कि 5,100 हमारा ऑर्डर है। तो ये कि हम चीज़ें अब इसमें देखेंगे, जितने भी लोगों के 50-50 ऑर्डर होते हैं ना भाई, या ये बताओ 50-50 के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अभी इधर काउंटिंग करनी पड़ेगी हमें। अब उनको तो बता नहीं सकते हैं कि भाई क्या मसला चल रहा है, अभी चक्कर में तो हमें काउंटिंग करनी ये सब, क्योंकि डब्बा जो है बेसिकली 100 का होता है, तो इसलिए भाई ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बाकी इंशाल्लाह करते हैं इसके। अच्छा यार सीन ये कि हमें दोबारा से जो है ना काउंटिंग में लग गए थे हम लोग, क्योंकि इसकी वजह ये कि आपको पता है कि ऑर्डर हमारा बड़ा था, और वैसे तो हैचरी काउंट करके देती है, लेकिन हमने इसलिए काउंट किया था क्योंकि हमारे जिनके ऑर्डर 50 थे, 60 थे, 70 थे, 80 थे, या 120-130 इस तरीके से जिनका ऑर्डर थे ना, उनके लिए मसला हो गया था हमें रिकाउंटिंग करने में, क्योंकि हैचरी जो है बेसिकली वो 100 का बॉक्स दे देती है, उसके बाद आपको अगर सेल करना है तो आप इस तरीके से सेल करोगे। खैर वो तो किसी को नहीं देती है, आपको हमने शुरू से बताया हुआ कि भाई हमारा हैचरी से क्या कनेक्शन है, किस तौर पर हम लोग जो है वो चूज़ा लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बात सारी यही है कि चूज़ा माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, और चूज़ा गर्मियों का चूज़े में मैंने आपको बताया था कि गर्मियों के चूज़े में आपको इलेक्ट्रोलाइट्स देनी है। अच्छा इसमें हुआ ये कि इन जिन भाई ने अभी आपको देखेंगे आगे जाके वीडियो में, कि जिन भाई को शहजोर में हम लोग ने मतलब मजडा में चूज़ा दिया ना, वो पहले लाए थे हायरो, तो सीन ये हुआ कि हायरो के अंदर उन्होंने जब डब्बे रखे ना, तो वो मैंने फ़ौरन ही देख के मना कर दिया कि नहीं भाई हायरो के अंदर आप लेके नहीं जाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है 5-6 लाख रुपये का चूज़ा है, और वो यकीन करें कि 5,000 चूज़ा जो है ना उसमें से मुश्किल से मेरे हिसाब से कोई 400-500 जिंदा बचता, बाकी सारा मर जाता, क्योंकि गर्मी इतनी थी। तो इसी वजह से जो है वो मजडा मंगवाया, क्योंकि मजडा से जो है ना वो सुकून से चूज़ा जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे 7 के नीचे पहुँचा है। फाइनली हमारा चूज़ा जा रहा है, 4,500 चूज़ा एक है, 500 चूज़ा इस गाड़ी के अंदर जाएगा। बाकी ये कि पहले तो इसमें हायर में जाना था, लेकिन उसके बजाय ये कि आपको बताया कि यार हब से मर जाता चूज़ा हमारा, तो इसलिए जो है ना ये जो है ना हमने इसमें शहजोर में रखा है, इसमें खुला खुला जाएगा, और रस्सियों से इसलिए बांध रहे हैं ताकि ये खुदा ना खास्ता इसका जो ढक्कन है ना, इसका जो बेसिकली एक आप ये समझे गत्ता है, तो वो उड़े ना, ताकि हमारे किसी भी किस्म का कोई चूज़ा जो है वो बाहर ना आए, तो वो फिर ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए इसको बचाने के लिए थोड़ा सा रस्सी बांध रहे हैं। बाकी ये कि खुला जाएगा ना चूज़ा, इसको चादर की भी ज़रूरत नहीं है, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है, जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि भाई इतनी गर्मी होगी, तो इसलिए भाई ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बाकी आप ये बताइएगा कि आपको जो है किस तरीके से जो है ना अच्छा लगा है आज के उसमें जो है ना आपको दिखाएगा भाई किस तरीके से बड़ा क्वांटिटी वाला चूज़ा हमारा गया है गर्मियों में, तो ये सारी चीज़ आप लोग बताइएगा। अच्छा इसमें जो है ना एक टिप आपको दे दूंगा, जिनके पास भी चूज़ा जा रहा है तो वो लाजमी इलेक्ट्रोलाइट का लाजमी इस्तेमाल करिएगा, वो देख रहे हैं चूज़ा कैसे आ रहा है, लेकिन ये कि बच जाएंगे चूज़े, मतलब मरेगा नहीं, लेकिन ये कि फिर भी इंशाल्लाह मैं भी जाके इसको ऊपर नीचे कर लूँगा जो भी होता है, और खुला ये जाएगा ना तो कोई किसी की किस्म की कोई मोर्टेलिटी वगैरह नहीं होगी, ताकि अगेन काउंटिंग हो रही है, क्योंकि ये अभी भी चूज़ा बचा हुआ है जो गाड़ी में जाएगा। बाकी भाई यहीं तक थी वीडियो, वो पार्ट मैं नहीं बना सका था, बाकी ये कि उम्मीद है आपको वाली वीडियो पसंद आएगी, और यही है कि आपस में लोगों को आप शेयर करें, लाइक करें। और दूसरी चीज़ भाई एक इम्पॉर्टेंट टिप्स यही देनी थी कि गर्मियों में लाजमी अपने बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करें, चाहे वो ब्रायर हो, चाहे वो लेयर हो, चाहे वो कोई भी फैंसी बर्ड हो, या चाहे वो कोई भी बर्ड्स हो। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं ये सोचा था कि हम सीरीज़ बना देंगे बर्ड्स के ऊपर भी, लव बर्ड्स के ऊपर और डब्स वगैरह के ऊपर, तो आप लोग कमेंट करके लाजमी बताइएगा। जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते हैं ना कमेंट में, यार यकीन करें अच्छा लग रहा होता है। बाकी ये कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं लाइव रिकॉर्ड करूँ, लेकिन जब शोर ज़्यादा होता है या पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो उस वक्त जो है फिर मैं रिकॉर्डेड करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस बहुत ही कम होती हैं। तो ये कि इसमें थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि भाई आपको एचडी वाला ब्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो इस तरीके से हमारे जितने भी ऑर्डर होते हैं आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है आपको वाली वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।